हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइटम नॉट फाउंड का मतलब क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं आपको इसका मतलब बताता हूं और बाकी चीज़ें भी बताऊंगा। दोस्तों, मान लीजिए आप ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पर कोई ऐप बैन है, या हो सकता है आपको ना पता चला हो बट वो कुछ दिनों के अंदर बैन हो गया। जैसे कि यूसी ब्राउज़र में क्या था, पहले बहुत चलता था, सब लोग इसी से मूवीज़, वीडियोस, फ़ोटोज़, लगभग हर चीज़ करते थे। चाहे गूगल पर सर्च करना हो, वीडियोस देखनी हो, वीडियोस डाउनलोड करनी हो, यूसी ब्राउज़र बेस्ट था। इसी वजह से जो है यूसी ब्राउज़र को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आया जब इंडिया ने सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया, क्योंकि वो डेटा लीक कर रहे थे। तो उसके बाद यूसी ब्राउज़र जो है इंडिया में बैन हो गया। आप इसी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर देखिए, 1 ईयर ago, 1 साल पहले इस वीडियो को अपलोड किया गया था, उसके बाद कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो ये बैन हो चुका है। देखो, चैनल भी इंडिया का ही है, तो ये बैन हो चुका है तो क्या फ़ायदा वीडियो डालने का, है ना। तो क्या होता है ना, कई बार कुछ कंपनीज या कुछ ऐप्स कहीं पर लिंक छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर यूट्यूब में आप अबाउट में जाओगे तो यहाँ पर लिंक मिल जाता है। मान लो आप कहीं और किसी लिंक को टच करके आए हो और यहाँ पर दिखा रहा है आइटम नॉट फाउंड। ये तभी आता है जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो। ठीक है, तो चाहे कितना ट्राई अगेन कर लो, वो नहीं जाने वाला, क्योंकि वो जा चुका है, प्ले स्टोर से हट चुका है, इंडिया से हट चुका है। अब आइटम नॉट फाउंड आ रहा है, आपको पता चल गया ऐसा क्यों हुआ, बैन होने की वजह से ऐप प्ले स्टोर से डिलीट हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप लोग अभी भी एक तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको सर्च करना होगा यूसी ब्राउज़र ऐप। जैसे ही आप सर्च करते हो, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो APK मिरर वेबसाइट से या यूसी वेब से। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऐप प्रोवाइड कर देती है। सिर्फ प्ले स्टोर नहीं है दुनिया में कि भाई प्ले स्टोर में अगर यूसी ब्राउज़र मिला तो ठीक, नहीं तो फिर कोई इलाज नहीं। इलाज है, आप जब भी आपको लगे आइटम नॉट फाउंड आ रहा है किसी लिंक पर क्लिक करके आपको, तो आप उसको गूगल पर सर्च कीजिएगा। ठीक है, आपको ज़रूर उसका ऐप मिलेगा। देखो, ये रहा, क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फाइल मिल जाएगी। डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। डाउनलोड जैसे ही आप करते हो, फिर इंस्टॉल करना, फिर यूज़ करना, इस तरीके से आप ये सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, और बस यही था इस वीडियो में। ये देखो, मैं यूसी में नहीं यूज़ करता हूँ, ये यूसी में नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे यूज़ करता हूँ? ये प्ले स्टोर पर थोड़ी है, मैंने तो इसको गूगल से डाउनलोड किया था। तो आइटम नॉट फाउंड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। प्ले स्टोर से इसको डिलीट कर दिया गया है, इसीलिए बता रहा आइटम नॉट फाउंड। बट आपके पास दूसरा ऑप्शन है, गूगल पर जाइए। गूगल पर जाकर अपने ऐप का नाम सर्च करना, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको पता चल गया। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और बाय।